थाना गोवर्धन इलाके पुलिस और स्वाट टीम को संयुक्त रूप से उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने वाहन लूट गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके पास से नकदी और चोरी की स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। हम आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश के अनुसार जहां कुख्यात अपराधी और पूर्व में एसआई पर जानलेवा हमला करने वाले को गिरफ्तार किया गया, वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से नकदी और चोरी की कार भी बरामद की गई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर स्वाट और गोवर्धन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद छात्र चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए आरोपी पर गंभीर धाराओं में अन्य राज्यों में विभिन्न थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। आज हमारी थाना गोवर्धन की टीम को और स्वाट टीम को जनपद के एक शातिर लुटेरे गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। उसके दो सदस्य फरार हो गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश से अवैध असलहे, कुछ पैसे और एक स्विफ्ट गाड़ी जिस पर हरियाणा नंबर लिखा हुआ है, पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसका ओरिजिनल नंबर दिल्ली का है और दिल्ली से इन लोगों ने लूट कर उस गाड़ी को ले आया है। नंबर बदल कर उस गाड़ी का उपयोग अन्य घटनाओं में करते हैं। इस गिरोह ने अन्य दो लूट की घटनाएं जो गोवर्धन में और कोतवाली में चेन स्नेचिंग की घटना को भी कबूल किया है। पहले से भी ये जेल गया है और इस अभियुक्त पे टोटल 12 मुकदमे दर्ज हैं। एक अच्छा लुटेरा है, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। हमारी लूट की घटनाएं चली है, पूरी टीम ने अच्छी सुराग रसी, पता रसी और जो है गिरफ्तारी करी। टीम को पुरस्कार भी दिया जाएगा इस कार्य के लिए। हमारी टीम को, पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया।